नव वर्ष की नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो, नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय, और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, यही दूरदर्शन परिवार हमारी कामना है आपके लिए, सभी के लिए। तो चलिए दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का ये अंक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही अनोखी जानकारी देंगे। आप अपने जीवन में सफल कैसे हो, जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं, इन सभी विषयों की जानकारी देंगे। हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं हमारे फोन नंबर्स के माध्यम से। तो चलिए जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जो कि हैं सबसे पहले भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 07552660049। ये है हमारे फोन नंबर, साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है जिसको आप नोट कर लीजिए। ये है 1800233040। मुझे आशा है कि आपने हमारे फोन नंबर्स नोट कर लिए होंगे, और जिन दर्शकों ने हमारे फोन नंबर्स नोट नहीं किए हैं वो हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं हमारे नंबर्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के अनुसार हम आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है, पंचांग क्या कह रहा है। विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष पंचमी है तिथि, तारीख है 1 जनवरी 2024, दिन है सोमवार। आज के दिन जिन भी हमारे दर्शकों का जन्मदिन है, जिनकी भी शादी की सालगिरह है, उन्हें ढेर सारी बधाइयां हम देते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सुखमय हो आपका जीवन, यही मंगल कामना करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का दिन जो 1 जनवरी है वो इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर तिथि अपने साथ कुछ इतिहास संजोई हुई रहती है, और इतिहास से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। चलिए देखते हैं आज का इतिहास। सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है, आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस है, साथ ही साथ राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस है। अब आगे बात करें 1582 की, 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इससे पहले कभी ये 15 मार्च तो कभी 15 दिसंबर को मनाया जाता था। 1664 शिवाजी महाराज ने सूरत अभियान की शुरुआत की थी। अब अगर हम बात करें 1882 की, भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। चलिए आ जाते हैं 1880 पर, देश की पहली मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। जी हाँ, हम सभी ने मनी ऑर्डर करना शुरुआत की थी, एक शहर से दूसरे शहर अपनों तक कुछ पैसे भिजवाने की शुरुआत हुई थी। 1915 महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसरी हिंद से सम्मानित किया था। हम सभी महात्मा गांधी को केसरी हिंद के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बात की जाए जन्मदिवस, जी हाँ, आज जिन जिन मशहूर लोगों का जन्मदिवस है, मशहूर फिल्मी कलाकार विद्या बालन, सोनाली बेंद्रे, नाना पाटेकर, असरानी जी का जन्मदिवस है, साथ ही साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी जन्मदिवस है। हम सभी इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आ जाते हैं आज के विचार की ओर। एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी लाइन हम सभी के जीवन को उत्प्रोत कर सकती है। उस विचार से हम कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और उस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का विचार क्या है। पहली सफलता के बाद हमें आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरी बार असफल हुए तो ये सब यही कहेंगे कि पहली सफलता हमें सिर्फ भाग्य से मिली थी। ये शुभ विचार हमें दिए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। जी हाँ, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। तो इन शुभ विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए,
कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं आज के विषय की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज 9:10 पर हमारे देश में एक और बहुत ही महान काम होने जा रहा है। हमारे देश में जो PSLV का जो प्रक्षेपण है वो होने जा रहा है। आप हमारे कार्यक्रम के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं और उसे देखना ना भूलिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने विषय की ओर, क्योंकि चलिए इस लाइन को मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसरो ने ये जो काम किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसरो के साथ साथ सभी देशवासियों के लिए बेहद खास है। हम इसको देखेंगे अपने कार्यक्रम के बाद। चलिए आ जाते हैं विषय की ओर। आज का जो हमारा विषय है वो है कि नया वर्ष नया संकल्प। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं। साथ ही साथ आपको मिलवाऊंगी एक गायक से। जी हाँ, ये गायक है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप इनसे मिलकर जरूर खुश होंगे। नया वर्ष नया संकल्प, इस विषय को बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विजया सकपाल जी, मनोचिकित्सक हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है ये। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। और अब आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे गायक जी से। जी हाँ, ये हैं दिवाकर पांडे जी। नमस्कार, बहुत नमस्ते, बहुत स्वागत है so आपका। इसके बाद आपको मिलवाना चाहती हूँ एक हमारे ऐसे तबला वादक से जो कि हैं रूप नारायण शाक्य जी। ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे कार्यक्रम में आप इनको सुन सकते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले आपको मिलवा लिया जाए हमारी मैडम से, और जानते हैं सबसे पहले कि आप मैम ये बताइए कि हर व्यक्ति जैसे नया दिन शुरुआत होता है, नया वर्ष शुरुआत होता है, हम अपने अंदर रात से ही 31 दिसंबर से ही शुरुआत कर लेते हैं कि हमें एक नया संकल्प लेना है। वो नया संकल्प को हम पूर्ण किस प्रकार से कर सकते हैं? नया जैसे ही नया साल आता है तो हमें लगता है कि कुछ तो भी नया करना चाहिए। हमारी जो अंदर की प्रवृत्ति है कि हाँ हमें कुछ तो भी अच्छा करना चाहिए, तो हम संकल्प लेते हैं। बहुत से लोग लेते हैं संकल्प के लिए, मैं ये कहूँगी बहुत बड़े बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। हम अगर छोटे कोई संकल्प किया और वो पूर्ण हो, तो जैसा कहा कि अगर कोई छोटा भी संकल्प हम पूरा कर पाते हैं तो हमें अपने आप में अपने को खुद के लिए एक मोटिवेशन है, मैंने किया। अब मैंने किया तो मैं नेचुरली अगला भी कर सकता हूँ। तो आप अपने संकल्पों को छोटे छोटे उसमें तोड़ दीजिए, वो वाली बातें कीजिए जो हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी है। अगर हम उन्हीं का संकल्प लेते हैं जो हमारे कैपेसिटी के अंदर हैं और हम उनको पा पाते हैं, तो ऐसे संकल्प लेने चाहिए जी। प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। हम सोच तो बड़ी बड़ी बातें लेते हैं कि नहीं, पिछला साल जो था वो बहुत ही छोटा था शायद मेरे लिए, कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं, अगला साल शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा। आप छोटे से संकल्प बनाइए, उनको पूरा कीजिए। मैडम से तो बात कर ली है, क्यों ना दिवाकर पांडे जी से मिल लिया जाए और इनसे पूछा जाए। दिवाकर जी, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ कि आपने नए साल के दिन हमारे लिए कुछ नए गाने भी लिख कर लेकर आए हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं, आपने गाने की शुरुआत कैसे की, प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, चाइल्डहुड से ही मुझे मतलब संगीत का शौक था और घर में ही संगीत का माहौल मिला। मेरे जो मम्मी पापा हैं, पापा अच्छे भजन सिंगर हैं और हारमोनियम और ढोलक प्ले करते हैं, तो मतलब घर में ही माहौल था शुरू से। ठीक है। तो मुझे याद है मैम कि मैम 2nd-3rd class से ही मैं ढोलक और हारमोनियम प्ले करने लगा था। उसके बाद मैं भोपाल आया और भोपाल में मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली पंडित सिद्धराम स्वामी कोरबार गुरुजी से। जी जी, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि नए साल पर आप हमारे दर्शकों के लिए नए साल का जो भी गाना लिख कर लाए, सबसे पहले तो शुरुआत ही बिल्कुल बिल्कुल मैम, आज नया साल है, नया दिन है, तो मैम मैं नए वर्ष के लिए एक 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। नई साल को मनावे, मन हो रो सजन कहीं जावे, नई साल को मनावे। कोई कोई नदिया बाबड़ी नहारे, कोई कोई नदिया बाबड़ी नहारे, कोई कोई ताल और तलैयों खुजारे, कोई कोई ताल और तलैयों खुजारे। अपन चलो गंगा नहावे, नए साल को मनावे, मन हो रो सजन कहीं जावे, नए साल को मनावे। मन
मिठाई खा रे, बड़े प्रेम से खुशी मना रे, बड़े प्रेम से खुशियाँ मना रे। अपन चलो, अपन चलो बाटिए बनावे, नए साल को मनावे, मन हो रो सजन कहीं जावे, नए साल को मनावे। देवश की विदा अपन खुशी खुशी करिए, देवश की विदा अपन खुशी खुशी करिए, साल भर की खुशियों के पल याद करिए, साल भर की खुशियों के पल याद करिए। हम सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इतना मीठा गाना आपने लिखा, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। आप सिर्फ ये बताइए कि इतना मल्टी टैलेंटेड आप अपने आप को कैसे संजो के रखते हैं, जैसे कि आप रेलवे में जॉब भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, कंपोज करते हैं, गाते हैं, भाई इतना सब कुछ आप ऐसे कैसे मैनेज कैसे करते हैं? मैम वो स्टार्टिंग से ही मतलब वो एक पैशन था, जुनून था मतलब संगीत का, तो मैं अपनी स्टडी के साथ साथ इसको साथ में लेके चला। मैम ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग किया है इसे भोपाल से, उसके बाद मैंने एमटेक किया, लेकिन मैंने संगीत को इम्पोर्टेंस दिया और साथ साथ में मैं इसको अपने साइड में लेके चला और आज भी लेके चल रहा हूँ जॉब के साथ साथ। हमारी शुभकामना है, आप आगे जाके बहुत सफल हो। आ जाते हैं हमारी मोटिवेशनल स्पीकर मैम के पास में। जी मैम, विजया जी ये बताइए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ऐसा लगता है पिछला साल कुछ नेगेटिविटी लेकर आया था, जीवन में कुछ ऐसे घटित होता है जो हमें बहुत दुख देकर गया था, हम अपनों को छोड़ चुके हैं, उन्हें हमने कैसे त्याग, मतलब हमारी ज़िंदगी से वो चले गए हैं, अब उससे हम आगे कैसे बढ़ें, आगे आने वाले जो साल है हमारे जीवन में कैसी नई ऊर्जा ला सकता है, हम अपनों के साथ कैसे अपनापन बनाकर और उसको प्रगाढ़ कर सकते हैं, ये बताएं। जी हाँ, हम वैसे भी क्या है कि सोशल है, तो हमें ना जितने हम अपने परिवार के साथ रहते हैं या जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो वो अगर हमारे साथ है तो हमारे हर दिन अच्छा रहता है। अब मान लीजिए कि कुछ, ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ लोग तो हमारे साथ से छूट जाते हैं। हमने एक बहुत बुरा वक्त भी देखा है, अभी ये पोस्ट कोविड की एरा ही चल रहा है एक्चुअली, अभी भी हम अभी भी एंजाइटी और उन नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा तरीका, जिन्हें हमने खोया है उनकी क्या अच्छी बातें हैं जो हम आज भी सजो के रख सकते हैं, इन अगर इन बातों पे आगे चलते हैं तो भी हमें मिलेगा कि हम क्या किया जा सकता है हमारे लिए, वो सारे अधूरे काम ये किए जा सकते हैं कि अब हम उन अधूरे कामों को पूरा करें, वो छोटे हों या बड़े हों। आप फिर उसी तरह से कहूँगी, अगर छोटे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, और आप देखिए कि आपको लगेगा कि ओ ये रह गया था और ये मैंने आज फिनिश कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। नेगेटिविटी को दूर करने का भी आपने ही प्रबंध किया हुआ है, म्यूज़िक, म्यूज़िक थेरेपी, साइकियाट्री में एक म्यूज़िक थेरेपी है। संगीत जो होता है वो व्यक्ति दुखी हो या सुखी हो या अकेला बैठा हो, आप संगीत सुना दीजिए और उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इस तरह से भी हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जी, अगर व्यक्ति ये चाहे कि मैं नए साल में कुछ नया संकल्प लूं, किस व्यक्ति को किस उम्र के लिए, मतलब वो हम डिसाइड कैसे करें, हमारे मन में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन व्यक्ति को प्राथमिकताएं क्या चीज़ देनी चाहिए? प्राथमिकता की अगर बात करते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि सबसे बड़ा संकल्प तो आप यही ले लीजिए कि भाई मुझे स्वस्थ रखना है। अगर मैं स्वस्थ हूँ ऐसा सबने सोचा तो हमारा इतनी जो हम संघर्ष कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, आजकल तो 21st सेंचुरी में हम WHO ने जैसे जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें स्वास्थ्य के लिए ये कहा गया है कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं है आपका, स्वास्थ्य आपका मानसिक, स्वास्थ्य आपका आध्यात्मिक,
मतलब कि आपकी जो वेलबींग है वो आपकी फिजिकल भी है, आपकी मेंटल भी है, स्पिरिचुअल भी है, सोशल भी है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे करें, तो यही संकल्प ले लीजिए कि मैं इस साल जो है पक्का से अपनी स्क्रीनिंग कराऊंगा। हमें ऐड की ज़रूरत नहीं है कि पैथोलॉजी वाले कहें कि आप जांच करा लीजिए इसमें, या आपको जाके जाना पड़े। और जब आप अचानक जाएं और आपको पता चले कि आपको कोई बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके बजाय इस साल का संकल्प ये होना चाहिए कि हम रूटीनली रेगुलरली अपने चेकअप कर लें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें बहुत सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएंगे, एक बहुत लंबी सी लिस्ट है, आपको लिस्ट ही देखने में लगेगा कि बहुत है, तो आप उसमें से बहुत अच्छा सा अपना चेकअप करा सकते हैं। जी बिल्कुल। दिवाकर जी, ये बताइए कि आपने जब भोपाल आए, आपने बताया कि आपने संगीत की क्वालिफिकेशन ली, कहाँ तक ली, किससे ली, उस सफर को थोड़ा सा बताएगा। जी जी, मैं भोपाल आने से पहले मैंने तबले में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, 3 years डिप्लोमा जी। उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, एक कर्नाटक के गुरुजी थे मैम, पंडित सिद्धराम स्वामी कोरबार जी, शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी उन्हें, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे तालीम ली शास्त्रीय संगीत की। बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि 22 जनवरी मुझे लगता है भारत देश के लिए एक इतिहास, हम सभी के जीवन में बहुत ही हर्षोल्लास लेकर आने वाला है। राम जी आएंगे, आपने राम जी के लिए अगर कुछ गा दें आप हमारे दर्शकों के लिए, तो मुझे लगता है दिन की शुरुआत राम जी से अच्छी तो कुछ हो ही नहीं सकती। भगवान के आप राम भजन प्रस्तुत करूंगा जी। सारे अबध में राम की हो रही जय जयकार, गली गली में शोर है और हो रहे मंगलाचार। आए आए अबध में राम रे, आए आए अबध जाएंगे राम आएंगे।
सभी के भाग खुल जाएंगे। 2024 सभी के लिए मंगलमय होगा। बहुत अच्छा, कड़ी मेहनत और लगन से जो पूरा करते हैं अपना काम, सफलता के पथ पर आपका भी होगा अपना रोशन नाम। ये सभी के लिए है। चलिए आ जाते हैं मैडम के पास में। मैडम ये बताइए, जनवरी फरवरी मार्च हर स्टूडेंट के लिए होता है कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, जो बड़े स्कूल्स में होते हैं उनके लिए प्री बोर्ड्स होते हैं, कॉलेजेस वाले होते हैं, अब इन बच्चों को कैसे समझाया जाए कि आप जो अपना जो आज नया साल है, आपने एक एक उद्देश्य तय कर लिया कि मैं अपने जीवन में ये करूंगा, लेकिन ऊपर से प्रेशर है एग्जाम का, इन दोनों को सेटलमेंट कैसे करें, कैसे सामंजस्यता बैठाएं? जी हाँ, सभी लोग कुछ कुछ संकल्प ले रहे होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये बने या वो बने, तो वो भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, अब तुम तो इस बार संकल्प ले लो कि तुम्हें नीट क्लियर करनी, या तुम संकल्प ले लो कि तुम्हें ये करना, तो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब बच्चे का मन म्यूजिक की तरफ लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक। जब उसे लग रहा है कि मुझे म्यूजिक करना है, और उस समय फिर ये वाला संकल्प, तो 3 महीने ये करना है या ये करना, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्टेट रहती है, तो उन्हें यही वाली बात बताई जाती है कि पढ़ाई जो है वो है आपकी एक ज़रूरी मकाम है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये नहीं कह रहे, मतलब आप अपना संकल्प ये कर लीजिए कि उन्हें कमिटमेंट कीजिए कि आपकी बातें भी भविष्य में पूरी होंगी। हर चीज़ के लिए एक वक्त होता है, जैसे पहले भी 4 आश्रम हुआ करते थे, तो ये वक्त आपका पढ़ाई का है। अगर इतना करके उन्हें हम समाधान दे देते हैं कि आपको नेचुरली ये सारा अब हम आगे करने वाले हैं, और इसे साथ साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे हमें लगता है कि कम है, लेकिन 24 घंटे कम नहीं है, 24 घंटे वही आइंस्टाइन को मिले थे, और 24 घंटे वही मुझे मिले हैं, 24 घंटे ही पंडित जी को मिले हैं। तो इस तरह से ये समय जो है उसको टाइम मैनेजमेंट करते हुए उन्हें बताया जा सकता है कि आपके सपने भी पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत उसके बाकी माहौल को अच्छा बना लीजिए, बजाय उसको फोर्स करने की आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और 3 महीने तक आपको सिर्फ पढ़ो करना है, इसके बजाय बाकी चीजें रखते हुए हम एग्जाम्स को भी जरूर पार कर सकते। तो इसके लिए तो उदाहरण तो हमारे सामने ही है दिवाकर जी, तो दिवाकर जी से क्यों नहीं पूछे। दिवाकर जी ये बताइए, आपने रेलवे के एग्जाम्स क्लियर करे, साथ में अपना जो पैशन था उसको भी साथ साथ में लेते कर गए, तो क्यों ना हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो दर्शक हैं उनके लिए आप ये बताइए कि आपने ये सब कुछ मैनेज कैसे किया। मैम एक्चुअली कि यह है कि पढ़ाई के साथ साथ में मैंने मतलब अपना पैशन नहीं छोड़ा, अपना जुनून नहीं छोड़ा, इसको भी मैं अपना मतलब हॉबी और साथ लेके चला मैम। और भोपाल ऐसा है कि म्यूजिक का गढ़ है मैम जी, मतलब चाहे जागरण ले लो, सुंदरकांड ले लो, ऑर्केस्ट्रा ले लो, कुछ भी ले लो, तो मतलब यहाँ म्यूजिक का मतलब बहुत प्लेटफॉर्म अच्छा मिला मुझे जी, और मैंने इसको साथ साथ आगे बढ़ाया मैम जी, जी। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप अगर पैशनेट हैं आपके भविष्य को लेकर और आपके शौक को लेकर, तो ये आपके अंदर मादा होनी चाहिए कि जो 24 घंटे जो मैडम ने बोला है कि आप उसको कैसे आप डिफाइन कैसे करें अपने आप को उस समय के अंदर कि मुझे इतना समय इसके लिए करना है उसके, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि टाइम टेबल बना के चीज चलिए, और जो भी व्यक्ति टाइम टेबल बना के चलता है उसके लिए समय कम नहीं पड़ता है जी। बिल्कुल मैम, ये बताइए कि आजकल हर तीसरे व्यक्ति में देखने को मिला है मोटापा, एक ओबेसिटी आ गई है, और हर व्यक्ति को जिसको आप बोले कि भैया तुम तो थोड़े से मोटे हो रहे हो, क्या करोगे, नया साल आएगा ना, सच में पहले दिन से शुरू हो जाऊंगा, तो उस व्यक्ति के लिए आज के दिन क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, और ये जो एक बीमारी है मोटापा, इससे कैसे वो धीरे धीरे 1 जनवरी से ही शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल, ये तो अभी फ़िलहाल की जो है बहुत बड़ी वाली समस्या है, हम इसको मजाक में ले लेते हैं और हम बोलते हैं अरे भैया खाते पीते घर के हैं और मोटे हैं, तो खाते पीते घर के होते, फैलते हुए घर के हो जाते हैं, तो नेचुरली हमें इस बीमारी इसको समझना है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी अफेक्टेड है, क्योंकि अगर हम बहुत तनाव में हैं तो ज़्यादा खा जाते हैं, गुस्से में हैं तो खा जाते हैं, या हमें मतलब मुंह के ऊपर रहता है ना बात कि कुछ तो भी खा जाऊं जो गुस्से में, पता चला हम खाना भी ज़्यादा खा जाते हैं, डस्टबिन बना लिया है पेट को, जो सामने आया वो खाते गए कि उसमें डालते जाए, तो अगर हम ये वाला प्रण कर ले, क्योंकि आंकड़े भी कहते हैं कि बहुत, और अगर हम देखें तो ओबेसिटी के कारण ही
जो हमारी अभी की एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज हैं हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण है। आजकल तो वो भी आपके आ गए हैं ना सारा पिज़्ज़ा और ये सारे जो जंक फूड्स खा रहे हैं इसके कारण भी ओबेसिटी बहुत आ रही है। तो हम जब योगा की बात करते हैं तो योगा के लिए वही है साथ उसके यम नियम प्रत्यायाम ये सारी चीज़ें जो करनी पड़ती है 8 सूत्र, तो उसमें यही है हमें जो खाना है वो खाना जो है हमें बैलेंस डाइट तो हो लेकिन वो उतनी अधिक वाली डाइट नहीं हो। आजकल आपने देखा होगा कि माँ दो गलत काम कर रही होती है, हर एक माँ, एक तो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है और दूसरा जो भी है ठूसती रहती है बिल्कुल उसके मुंह में। तो वो बचपन से ही आप उसको डस्टबिन, जो आपने शब्द यूज किया, बिल्कुल डस्टबिन की तरह वो सारा डालने की कोशिश कर लेते हैं तो इसलिए हमारा मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन मोटापा कम करने के लिए किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े वो जो आजकल खरीद लिए जाते हैं और वो फिर शान दिखाने के लिए ड्राइंग रूम के साइड में पड़े रहते हैं साइकिलिंग वगैरह, उसकी ज़रूरत नहीं। जो आपके घर का काम है, जो आपका काम है, आप खुद कीजिए, आप पतले भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। आप देखिए कि किसी दिन अगर आपकी मेड नहीं आती है और जिस दिन आपने काम कर लिया आप कम से कम 4 लोगों को बताती हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। तो वो अगर आप करेंगी, आपको वो आपने क्यों बताया 4ों को? आपने इसलिए बताया क्योंकि आपको अच्छा लगा। तो ये अच्छा लगने वाली काम है, छोटे छोटे काम जो घर के, इसे आज से करना शुरू कर दिए। आज का मोटापा कम करने के लिए ये संकल्प बहुत अच्छा होगा, मैं किसी जिम में नहीं जाती। वाह क्या बात है, दिवाकर जी आप ये बताइए कि आपने संगीत के अलावा और कौन कौन से क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं? और मैम मैंने कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से ही मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया है। ठीक है जी मैम। एसटीआई कॉलेज विदिशा से। बहुत अच्छा। उसके बाद मैं भाभा कॉलेज में मैम मैंने 2 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। अच्छा। उसके बाद कोविड आ गया तो मैंने जॉब छोड़ दी थी और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहा और लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन इंडियन रेलवे में हुआ है और अभी मैं भोपाल स्टेशन पे ही पोस्टेड हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? मैम चूंकि मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है जी। तो मैं राग यमन पे बेस्ड बॉलीवुड सॉन्ग का मैशअप सुनाऊंगा। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। नीरे रे गा गा रे नीरे सा पा मरे गरे नीरे गा मा धनी सा नी पा मरे गा पा मरे गनी मेरे पनी रे गा मा मा गरे गा पारे गरे नीरे सा जब दीप जले जब शाम ढले प्यार ना बिसराना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना ना उम्र की सीमा हो ना जन्म के हो बंधु जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत जला करके ये प्रीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो तुमने मुझको हंसना सिखाया हो तुमने मुझको हंसना सिखाया रोने कहोगे रोलेंगे अब रोने कहोगे रोलेंगे अब आंसू का हमारे गम न करो वो बहते हैं तो बहने
रात हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, आज जाने की जिद ना करो, जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। सच में आज जाने की जिद ना करो, मन तो हो रहा है कि लगातार आपको सुनते जाएं। क्या नए साल की शुरुआत हुई है, इतनी मीठी आवाज, इतनी मीठी धुन, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैम ये बताइए कि हम सभी ने कोविड को झेला है, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है, क्योंकि वो जो मौत को सामने देखा है, अब उससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है। अब हम जब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो पहले शरीर साथ नहीं दे पाता, कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी आती है, उससे व्यक्ति कैसे उभरे? नेगेटिविटी या ये जो है ये हमारी सोच है। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के दौरान हमने बहुत ही बहुत, मतलब हम एक बहुत खतरनाक, बहुत ही क्रूशियल दौर से गुजरे जिसके हम विटनेस रहे, और जो देखा वो आंखों ने वो शायद कभी ना देखने को और मिले और कभी देखा भी नहीं था। तो इतने कठिन में से जो हम गुजर के आए हैं, तो अभी जैसे साइकियाट्री में भी देखा गया है जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन बात यही है कि जिंदगी किताब की तरह है, पन्ने की तरह है, चलने का पन्ना नाम है। हाँ, चलने का नाम जिंदगी है, वो जो पलटा हुआ पन्ना है फिर से नहीं आता है, आगे ही अगर हम पढ़ते रहें तो अच्छा है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने हेल्थ के लिए ध्यान देना होगा, और हमें जो है कुछ जो देखिए हमें मोटिवेशन के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे इतिहास ने बहुत कुछ ढेर दिया हुआ है, उन्हीं में से हम सारी चीज़ें देखें तो बहुत कुछ है। अगर उसमें से हम देखते हैं तो ये भी है कि हमें अगर हमारी नेगेटिविटी को बढ़ानी है तो हम किसी एक की नेगेटिविटी को कम करके देखिए, सो बैक टू सोसाइटी देख करके देखिए, क्योंकि उस वक्त आपने देखा होगा कोविड में हमारे जितने लोग हैं वो बिल्कुल सेवा करने में लगे हुए थे, कहाँ किसको खाने का पहुँचाए, किसको दवा पहुँचाए, किसको ये। तो एक बुरी वाली कथाएं भी सुनी गई थी, बातें आई थी, लेकिन मैंने देखा था कि वो दौर की आप अगर मैं वहाँ से सड़क से जब हाईवे से जाते थे ड्यूटी के लिए, तो हमने देखा सड़क पे लोग इतने बड़े बड़े ढेर ना जूतों के पड़े हुए हैं, खाना गरम गरम बन रहा है। तो हम जो है किसी एक के से नहीं बने हैं, हम इस टेबल पर आए हैं तो हमारे सिर्फ माता पिता के कारण नहीं आए, हमारे मेड, हमारे पड़ोसी, हमारे टीचर, हमारे साथी, सभी लोग हैं। तो इन सबसे जब हम ये बने हैं तो हमारी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम बैक टू सोसाइटी दें। हम अगर कुछ अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए बैक में करते हैं तो बिल्कुल हम अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी को दूर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उसे हमने कुछ अच्छा किया। कुछ भी आप क्रिएट करते हैं वो आपकी नेगेटिविटी को माइनस कर देता है, एक और एक प्लस होता है, वैसे आपकी नेगेटिविटी को आपकी क्रिएटिविटी कम सही है। कहते हैं ना, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है अक्सर कीमत, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ, आपको अपने आप को संभालना है। मैम
आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं मायने खोते जा रहे हैं, पति पत्नी हो कोई और हो, तो जल्दी से अगर आप ये बताइए कि हम रिश्तों को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं। रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए रिश्ते बिगड़े कैसे, रिश्ते बिगड़े हमारी ही या हमारी बुरे व्यवहार के कारण या हमारी कुछ ऐसी बात जो उन्हें आहत कर गई इस कारण, चलिए इसी से शुरू कर लेते हैं। क्यों हम उनका इंतज़ार करें कि वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, हम ही शुरू कर लें कि भाई आप जो हमने गलती की हम उसको पहले से मान लें, हमसे जो हमें लगा कि हमने व्यवहार में गलत की थी हम उस व्यवहार को सुधार लें, और हम आज संकल्प ले लें कि हम अपने उनसे बात करें जो हमसे रूठे हुए हैं, झुक जाने कहीं कहीं कही, कही कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, चले बांस ना बने। चलिए चलते ही चलते जल्दी से आप कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास में। जैसा कि मैम ने बताया कि कैसे मोटिवेटेड रहें और कैसे अपने कार्य के प्रति टारगेटेड रहें, तो इसी के चलते मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाना चाहूंगा मैम। तुम दो ना देरे नाना देरे नाना, 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 तुम दो ना देरे नाना देरे ना, ये हौसला कैसे झुके, ये यार काटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपाने सूरज अगर रात तो एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे रुके। जी ये हौसला बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये आरजू आगे बढ़ेगी। आपने बहुत बहुत ही मीठा गाना गाया, आप आए हमारे स्टूडियो में, मैम आए, ये सार्थक चर्चा रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम सीधे श्रीहरिकोटा से जुड़ेंगे। हमारे कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी हम खत्म कर रहे हैं, कल सुबह फिर 8 बजे से 9 बजे तक नमस्कार MP आपके लिए फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए हम सभी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।